आम नाले का पानी जो है गोमती में गिराया जा रहा है और इसका कोई उपाय नहीं है, ना ये पानी फिल्टर हो रहा है, ना किसी प्रकार का इसमें जो है सफाई है। आवाज उठाइए, आवाज बनिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कार नाले का गंदा पानी नदी में जा रहा है, कैसा लगता है आपको? बहुत बदबू आती है, यहाँ पर बैठना भारी हो जाता है, मजबूरी हमें धंधा करना पड़ता है। लखनऊ की गंदगी गोमती में जा रही है, ऐसे मुद्दे कोई नहीं उठाता। आप देख सकते हो इसमें कितना कूड़ा है, आप देखिए कैमरा घुमाकर जरा, इसके अंदर कितना कूड़ा है। इसके अंदर पब्लिक कूड़ा भी डालती है, आकर कट्टे भर भर के कूड़ा भी डालते हैं। धुल सकते हैं इसमें? नहीं जी, हाथ नहीं धुल सकते इसके अंदर, बहुत बदबू आती है इसके अंदर। आप सूंघ सकते हो, देखो आपको भी बदबू आ रही होगी, बहुत बदबू आती है इसमें से। ये लेटरिन बाथरूम का पानी आता है इसके अंदर गंदा। इस समय खड़ा हूँ मैं गोमती रिवर फ्रंट में और ये जो रोड देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री कार्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर है और गोमती नदी नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं और खुलेआम गोमती नदी में गंदे नाले का पानी जा रहा है। इस तरफ आप देख सकते हैं खुलेआम, मतलब आँख में आँख मिलाकर ये गंदा पानी गोमती में बहाया जा रहा है। गंदे नाले का पानी गोमती को मैला किया जा रहा है। गोमती रो रही है, गोमती चीख रही है, वो कह रही है मुझे न्याय दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से गंदगी हम देख रहे हैं इस समय फ्लाईओवर यानी पुल पे हम खड़े हैं गोमती रिवर फ्रंट के, और इसी गोमती रिवर फ्रंट को लेकर तमाम आरोप अखिलेश यादव सरकार में लगाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान का अगर परिदृश्य देखे आरोपों के बाद गोमती आज भी उतनी ही उससे भी बदतर हालात में है। दूसरी तरफ नाले का जो पानी है खुलेआम लगातार बिना किसी फिल्टर के सीधे गोमती नदी में छोड़ा जा रहा है और बेशर्म अधिकारी इस पे मूक दर्शक बने हुए हैं। नगर निकाय का चुनाव भी आ रहा है, क्या यह मुद्दा बनेगा? जनता को भी इस पे आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि गोमती ऐसे रहेगी तो जो गोमती का अस्तित्व मिट जाएगा और गोमती खत्म हो जाएगी। बहुत ही दुखद दृश्य आप देख रहे हैं। इधर मैं कैमरामैन से चाहूँगा, खुलेआम नाले का पानी जो है गोमती में गिराया जा रहा है और इसका कोई उपाय नहीं है, ना ये पानी फिल्टर हो रहा है, ना किसी प्रकार का इसमें जो है सफाई है। बहुत ही गंदा पानी है, बहुत ही मैला पानी है, पूरे लखनऊ की गंदगी गोमती में खुलेआम छोड़ी जा रही है। आवाज़ उठाइए, आवाज़ बनिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आवाज़ बनिए गोमती की, आवाज़ बनिए नगियों की, आवाज़ बनिए उन करप्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की जो इसमें भागीदारी निभा रहे हैं। अच्छा, यहाँ बैठे हैं, जिस प्रकार से नाले का गंदा पानी नदी में जा रहा है, कैसा लगता है आपको? बहुत बदबू आती है, यहाँ पर बैठना भारी हो जाता है, मजबूरी हमें धंधा करना पड़ता है, बहुत बदबू आती है, गंदे नाले का पानी आता है, यहाँ बैठा नहीं जाता, मगर हमारी मजबूरी, हम मजदूर आदमी, हमें यहाँ बैठकर धंधा। इस प्रकार से नदी में गंदे नाले का पानी जाना सही है? नहीं जी, सही नहीं है। इसकी पूजा करते हैं नदी की, इसे मानते हैं लोग, ये गंदा पानी आता है इसमें लेटरिन पेशाबों का, ये अच्छा नहीं है। पूरे लखनऊ की गंदगी गोमती में जा रही है, ऐसे मुद्दे कोई नहीं उठाता। आप देख सकते हो इसमें कितना कूड़ा है, आप देखिए कैमरा घुमाकर जरा, इसके अंदर कितना कूड़ा है। इसके अंदर पब्लिक कूड़ा भी डालती है, आकर कट्टे भर भर के कूड़ा भी डालते हैं, बहुत से पूछते भी यहाँ आकर, मगर आप देखिए दीवार टूटी भी है, गंदा पानी सारा इसी के अंदर आ रहा है। आप ये बताइए ऐसे मुद्दों की बात क्यों नहीं होती? ये सब राजनीति है जी, सब राजनीति आज के टाइम में तुम्हें पता है धर्म के ऊपर चल रही है, मेन मुद्दों के ऊपर राजनीति नहीं है, जैसे कारोबार नहीं है। यहाँ से मुख्यमंत्री आवाज मात्र 3 किलोमीटर है, और दूसरा आप मुझे ये बताइए ऐसे गंदगी होती रही तो कितना दिन ये पानी, क्या आप हाथ धुल सकते हैं इसमें? नहीं जी, हाथ नहीं धुल सकते इसके अंदर, बहुत बदबू आती है इसके अंदर। आप सूंघ सकते हो, देखो आपको भी बदबू आ रही होगी, बहुत बदबू आती है इसमें से। ये लेटरिन बाथरूम का पानी आता है इसके अंदर गंदा। दुखद है भाई साहब, इनको यहाँ बैठना पड़ता है, इनकी मजबूरी है, इनको अपना जीवन यापन करना है, लेकिन गोमती का जो दर्द है इनसे देखा नहीं जा रहा है। इनका कहना इस प्रकार से गंदगी जो है, नदियों को हम पूछते हैं और नदियों में गंदगी छोड़ना सही बात नहीं है।
अधिकारी करप्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, कब रोका जाएगा ये मुख्यमंत्री जी, ये जो है नाले का गंदा पानी गोमती में जाने से कब रोका जाएगा, कब किसके ऊपर जिम्मेदारी तय होगी, कौन अधिकारी निलंबित होगा, मुझे बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को ताकि हम आवाज़ बन सकें गोमती नदी की।